गुरु पूर्णिमा का त्यौहार अपने गुरु के प्रति आस्था और प्रेम भाव प्रकट करने का महापर्व होता है। हमारे शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा रखा गया है। गुरु के दिए गए ज्ञान से हमें जीवन में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, सही गलत का ज्ञान मिलता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता, सफलता और सुख शांति गुरु के द्वारा दिए गए सच्चे मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होता है। हिंदू परंपरा में गुरु हमेशा से ही पूजनीय माने गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। बेटमा में भी गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई, जहां भक्तों ने अपने गुरुओं के चरण पखारे व पूजन किया। वहीं बेटमा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहेब में भी भक्तों की आवाजाही दिन भर बनी रही, जहां भक्तों ने गुरु ग्रंथ साहेब के सामने मत्था टेका, अरदास की व लंगर चखा। वहीं इंदौर के अहिरखेड़ी हवा बंगला स्थित संत रविदास मंदिर में भक्तों द्वारा सामूहिक रूप से गुरु रविदास जी की आरती की गई। आरती पश्चात प्रसादी वितरण कर गुरु रविदास के प्रमुख वचनों को याद किया गया। इस अवसर पर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई थी। बैटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।